सो दोस्तों ये रहा एडसेंस वेरिफिकेशन एड्रेस पिन जो कि फाइनली मुझे आज मिला और ये 2 महीने के बाद दोस्तों मुझे मिला रिक्वेस्ट के 2 महीने मतलब मैंने दूसरा बार जाके रिक्वेस्ट किया तब जाके मिला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये नहीं बात करूंगा कि इसका पिन क्या है कैसे एंटर करना है वगैरह वगैरह। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने कर लिया और मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस टाइप का वीडियो यूट्यूब में बहुत सारा है। मैं आपको इस वीडियो में वो सब क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ जो क्वेश्चन का आंसर पूरे यूट्यूब में मैंने 3 दिन से रिसर्च किया और मेरा भी इशू था एक्चुअली। मैंने देखा मेरे तरह बहुत सारे यूट्यूबर जिनका बहुत सारा प्रॉब्लम है क्वेश्चन किया, बड़े बड़े यूट्यूबर जो लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाया वो लोगों ने कमेंट के ऊपर कमेंट किया लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया। मैं आज सारे उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो क्वेश्चन का जवाब किसी कोई भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको भी मुझे भी पता है आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो देख रहे हो। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी इस तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ क्योंकि पहले ही बता दूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चन लिया और 21 क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा बताऊँगा को हर क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको दूँगा और लास्ट में मैं कुछ 2 से 3 टिप्स आपको शेयर करूँगा प्रो टिप्स जिससे कि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका 100% एड्रेस वेरिफिकेशन होगा चाहे आप गांव में रहें चाहे शहर में रहें कुछ भी हो आपका 100% एड्रेस वेरिफिकेशन करने में मदद होगा। तो दोस्तों एंड तक वीडियो देखिए आपको डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है मेरे पास जो कि सबसे ज़्यादा पूछा गया लेकिन आंसर प्रॉपरली नहीं दिया गया। मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे पिन कितने दिनों में मिलेगा। जी दोस्तों पिन जो है बेसिकली अगर आप शहरी एरिया में रहते हो तो आपको 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाता है लेकिन आप गाँव में रिमोट एरिया में रहते हो या फिर जहाँ पर पोस्ट ऑफिस का एक्सेस कम है नहीं या फिर बंद हो चुका आसपास में तो उस जगह पे उस सिनेरियो पे आपको पिन मिलने में 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना भी लग सकता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे जो ज़्यादा पूछा गया क्या ये पिन मेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे आता है। जी दोस्तों नहीं आपका जो पिन है एड्रेस वेरिफिकेशन का केवल आपके एड्रेस पे ही आएगा ना आपका मोबाइल पे आएगा ना आपके मेल पे आएगा ओनली एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट जो इंडियन पोस्ट है उसके द्वारा ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है क्या जो ये पोस्ट आता है क्या ये नॉर्मल पोस्ट से आता है या फिर स्पीड पोस्ट से आता है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास भी लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक बार देख लीजिए ये स्पीड पोस्ट से आता है। दोस्तों नॉर्मल पोस्ट से नहीं आता स्पीड पोस्ट से आता है। सो इसके लिए आपको कोई ट्रैकिंग आईडी मिलता है कि नहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसके लिए कोई भी गूगल कोई भी आपको ट्रैकिंग आईडी नहीं देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया मुझे चौथा क्वेश्चन कि ऐसा कुछ ट्रैकिंग स्पीड पोस्ट का क्योंकि ट्रैकिंग आईडी होता है तो इसके लिए हम ट्रैक कर सकते हैं ना कहाँ आया मेरा पोस्ट क्योंकि आप कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हो लेकिन इस सिनेरियो में आपको गूगल कोई भी ट्रैकिंग आईडी नहीं देता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस वाले घर पे आता है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कंसर्न ये है कि बेसिकली आपके घर पे आना चाहिए। ठीक है आपके एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस से आना चाहिए। अभी सिनेरियो ये है अगर आपके घर में नहीं आता है और टाइम हो चुका है आने का जैसे कि आप अगर आपके घर के आसपास ही पोस्ट ऑफिस है और अगर नहीं आ रहे तो आप एक बार जाके पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हैं कि मेरा गूगल एडसेंस से कोई लेटर वगैरह आया है कि नहीं। तो इस सिनेरियो में आप पूछ सकते हैं बेसिकली आपके घर के एड्रेस पे ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एड्रेस दूँ मैं मेरा प्रेजेंट वाला या परमानेंट वाला। जी दोस्तों देखिए मैं इस बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा एड्रेस आप वही दे जिस एड्रेस पे अभी आप करेंटली रहते हो। ठीक है और एक चीज़ बताना चाहूँगा एड्रेस वही होना चाहिए जो कि आपका आईडी कार्ड में होना चाहिए आईडी कार्ड के हिसाब से होना चाहिए और आप उस एड्रेस पे रहते हो तो ही होना चाहिए। अगर आप नहीं रहते हो आपके फैमिली मेम्बर भी रहते तो भी चलेगा लेकिन आपका आईडी कार्ड का जो एड्रेस है परमानेंट वही एड्रेस आप एडसेंस अकाउंट में ऐड करिए। क्यों करेंगे मैं बाद में वीडियो का एंड में मैं बताऊँगा क्यों ज़रूरी है कि आईडी कार्ड के हिसाब से ही देना। ठीक है सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईडी कार्ड के हिसाब से जो
आपका परमानेंट एड्रेस है वही आप दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मेरे एड्रेस पे कोई नहीं रहता है तो मैं क्या करूं? जी दोस्तों देखिए, बहुत बार होता है कि हम लोगों का जो एड्रेस रहता है कि हम लोग बाद में घर वगैरह चेंज करते हैं, तो सिनेरियो क्या होता है, आईडी कार्ड पे एक एड्रेस रहता है लेकिन उस एड्रेस पे हम लोग रहते नहीं हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस से अगर वो लेटर आता भी है सो पोस्टमैन देखता है कि उस जगह पे कोई रहता नहीं, इस एक्स वाई जेड के यहाँ पे घर में ताला दिया रहता है, तो बाय प्रोसेस, ये प्रोसेस है इंडिया पोस्ट का, वो लोग क्या करते हैं सीधी सी वो लोग उस लेटर को लेके वापस चले जाते हैं और उस लेटर को रिटर्न कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में मैं आपसे एक ही सलूशन देना चाहूँगा, अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि आपका आईडी कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस आपने दिया है और उस एरिया में या उस जगह पे आप नहीं रहते हो, तो इस सिनेरियो में आपसे मैं निवेदन करूँगा आप जो जिस उस एरिया के अंदर जो पोस्ट ऑफिस आता है उस पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और जो पोस्ट ऑफिस बॉय है जो चिट्ठी डिलीवरी करते हैं उनसे आप बात करिए, बात करके इस इशू को सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन कितने बार ट्राई कर सकते हैं? जी दोस्तों, पिन जो है 3 बार आपको जनरेट करने का मौका मिलता है, अगर फर्स्ट बार नहीं आता तो दूसरा चांस मिलता है जो कि 28 दिन के बाद मिलता है, उसके बाद भी नहीं आता दोबारा आपको 28 दिन के बाद मिलता है, उसके बाद भी नहीं आता तो दोबारा तीसरी बार आपको 28 दिन के बाद, तो 3 बार आपको गूगल टाइम देता है पिन जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप भी सुन लीजिए, मैंने सेकेंड पिन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हुआ क्या, मेरा जो पहला जो पिन है वो मेरा आ गया लेकिन सेकंड पिन आया नहीं, सो अभी जो पिन आया है सेकंड पिन का वो क्या मैं अभी डाल सकता हूँ, मतलब सेकंड पिन अप्लाई कर दिया जनरेट करने के लेकिन फर्स्ट पिन आया, तो ये फर्स्ट वाला पिन अभी डालेंगे तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, आपका जो भी पिन जनरेट होता है वो फर्स्ट पिन का डुप्लीकेट जनरेट होता है, मतलब पहला जो पिन आपका जनरेट होता है वो यूनिक होता है, अगर आप दोबारा वो अगर नहीं मिलता दोबारा या तीसरी बार अगर अप्लाई करते हो तो उसी का डुप्लीकेट पिन आता है, मतलब अगर एक ही पिन रहता है पिन कोई चेंज नहीं होता, सो आप अगर पिन अगर ऐसे सिनेरियो में पिन आता है तो आप पिन डालोगे तो आपका अकाउंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, दोबारा पिन या तीसरी बार पिन एंटर करने के मतलब जनरेट करने के बाद अगर पहला पिन आ जाता है पुराना वाला तो उसको डालिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं कि 3 बार के बाद अगर पिन जनरेट किया और अगर मेरे पास आया नहीं तो क्या होगा? जी दोस्तों देखिए, इस सिनेरियो में होगा ये कि आपका अकाउंट से जो है ऐड आपको फिर मौका 3 बार के बाद भी अगर नहीं होता 28 दिन और टाइम दिया जाएगा उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो इस सिनेरियो में होगा कि आपके अकाउंट में जो ऐड शो हो रहा था वो ऐड शो बंद हो जाएगा, सो आपका मॉनिटराइजेशन इन शॉर्ट आपका डिजेबल हो जाएगा। अब क्या होगा, आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके मेल पे या फिर आप जब लॉगिन करेंगे एडसेंस अकाउंट में वहाँ पे ऊपर पे एक्शन बोल के ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक भेजा दिया जाएगा, उस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप एक आपका नेशनल आईडी कार्ड एंटर करिए, एड्रेस टाइप करिए और साथ ही साथ नेशनल आईडी कार्ड अपलोड करिए जिसमें आपका एड्रेस प्रॉपरली लिखा है, जो एड्रेस आपने यहाँ पे दिए थे एडसेंस बनाने के टाइम वही एड्रेस वाला कोई आप एक नेशनल आईडी कार्ड आप वहाँ पे एंटर करिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। तो इस सिनेरियो में आप जो है आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट या फिर वोटर कार्ड, ये चारों में से कोई भी एक जो है डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने शुरू में बोला था कि नेशनल आईडी कार्ड जो है आईडी कार्ड के हिसाब से एड्रेस डालिए, उसका रीज़न ये है, बाय चांस अगर आपका 3 बार में एड्रेस पे पिन नहीं मिलता है तो इस सिनेरियो पे आप अपना आईडी कार्ड का एड्रेस से सेम एड्रेस से आप वहाँ पे अपलोड करके आप अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हो, विदाउट पिन आप एड्रेस को वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन अगर आप आईडी कार्ड के हिसाब से पहले एड्रेस नहीं डालोगे लास्ट में अगर ऐसा होता है तो आपको दिक्कत आ सकता है, तो इसलिए मैंने बताया था कि जब भी आप एड्रेस डालो आपका आईडी कार्ड में जो है वैसे हूबहू आपको उस हिसाब से आईडी कार्ड डालिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एड्रेस और आइडेंटिटी कौन सा पहले वेरिफिकेशन होता है और कब होता है? ये दोस्तों सबसे पहले अभी जो रूल है 2019 के उससे सबसे पहले आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तब होता है अगर आपका एडसेंस अकाउंट में $10 बैलेंस शो करेगा, तो शो करेगा मतलब आना चाहिए, ऐसा नहीं क्या यूट्यूब एनालिटिक में आप $10 देख रहे हो
तो आपको नहीं होगा, एडसेंस का अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के एनालिटिक में जो भी बैलेंस दिखाते हैं वो नेक्स्ट महीने का 11 से लेकर 13 तारीख के अंदर एडसेंस अकाउंट में आता है। सो एडसेंस अकाउंट पे ओपन कर लीजिए, होम पेज पे पेमेंट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा, अगर वहाँ पे $10 दिखाता है तो ही जाके आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स विदाउट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है अगर आपका पिन नहीं आता है और आपको नेशनल आईडी कार्ड से एड्रेस वेरीफाई करना होता है तो। ये दोस्तों मैंने पहले ही बताया, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप उस पर अपलोड कर लीजिए, अपलोड कर दीजिएगा जो लिंक मिलेगा उस पर, तो वहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है कौन सा एड्रेस डाले, आईडी कार्ड वाले या जो आपका आप जहाँ पे रहते हो। जो दोस्तों पहले मैंने बताया कि आप आईडी कार्ड वाले, आपका जो भी नेशनल आईडी कार्ड में जो भी एड्रेस है वही वाला आप डालिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि वेरिफिकेशन ऑप्शन नहीं दिखा रहा है कि $10 होने के बाद। जी दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों का इशू आ रहा है कि $10 होने के बाद भी वेरिफिकेशन का जो लिंक आता है ना एक्शन बोल के, बिकॉज योर पेमेंट इज ऑन होल्ड बिकॉज यू आर नॉट वेरीफाई योर एड्रेस, से लिखा आएगा रेड कलर में जैसे कि मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई करिए। तो वो वाला अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता उस सिनेरियो में, आपको बताना चाहूँगा आप दो तीन चीज़ चेक कर लीजिए। पहला तो है कि आप चेक करिए कि आपका एडसेंस अकाउंट में $10 हुआ कि नहीं। यूट्यूब एनालिटिक में नहीं देखिए, एडसेंस अकाउंट में अगर $10 हुआ कि नहीं वो देखिए। अगर $10 हो गया तो वेट कर लीजिए, मैक्सिमम ये 4 से 5 वर्किंग डेज टाइम लगता है। आप अकाउंट को एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए एडसेंस को, सो आपको डेफिनेटली दिखेगा। अगर नहीं दिखता है आप एक बार गूगल जो एडसेंस सपोर्ट है या फिर गूगल सपोर्ट टीम है अपना, उसको आप इसको मेल कर सकते हो स्नैपशॉट लेके। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन पिन आने पे पोस्ट ऑफिस वाले कॉल करते हैं क्या। जी दोस्तों, ऐसा बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन मुझे, बहुत लोगों का वीडियो में दिखा है कि वेरिफिकेशन जो लेटर है, ये लेटर आने के बाद क्या पोस्टमैन कॉल करते हैं। इसका आंसर है दोस्तों नो, बिकॉज यहाँ पे जो लेटर पे जो एड्रेस लिखा रहता है उसमें फ़ोन नंबर गूगल जानबूझ के नहीं देता है, क्योंकि गूगल का कंसर्न है आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। अगर कोई व्यक्ति आपका नंबर वहाँ पे अगर दे दिया, मतलब दिया जाए, तो वो व्यक्ति अगर आपको, आपने कोई फेक एड्रेस दे दिया गूगल को और गूगल ने उस एड्रेस पे ये लेटर भेज दिया, अभी क्या हुआ, अगर उसमें मोबाइल नंबर लिखा रहता तो पोस्टमैन जाएगा, पोस्टमैन का एड्रेस नहीं मिलेगा तो पोस्टमैन क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, और आपको कॉल करेगा तो आप बोलोगे भैया रुको मैं लेकर मैं इधर आके आपसे ये लेटर कलेक्ट करता हूँ, तो आपको एड्रेस पे पहले ही जाए बिना ही उसको लेटर मिल जाएगा। सो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो गूगल जानबूझ के यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका नहीं देता, जिससे कि आपको पोस्टमैन कॉल नहीं करेगा, आपका सीधा वो एड्रेस पे आएगा, एड्रेस नहीं मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सीधा वो लेटर लेके चला जाएगा। जी दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडसेंस और बैंक अकाउंट एड्रेस दोनों क्या सेम होना चाहिए। जी दोस्तों, कि एडसेंस में जो एड्रेस है आपका और बैंक अकाउंट में जो एड्रेस है वो सेम होना मैंडेटरी नहीं है, सेम रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपका एडसेंस में भी जो एड्रेस है वो बैंक अकाउंट का एड्रेस भी सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि एक मंथ हो गया पिन नहीं आया, क्या करें। जी दोस्तों, एक महीना अगर हो गया है तो उसके बाद भी पिन नहीं आता, तो आपसे दो तीन चीज़ चेक करना के लिए आपको बोलूँगा। एक तो आपका एड्रेस जो है वो एड्रेस चेक करिए प्रॉपर है कि नहीं, दूसरा आप एक बार अपना नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है, जो आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाइए, जाके पूछिए कि मेरा ऐसा कोई लेटर आया कि नहीं। अगर पोस्ट मास्टर आंसर नहीं दे पाते तो पोस्ट मास्टर से पूछिए इस यहाँ पे पोस्टमैन कौन है, जो पोस्ट चिट्ठी देते हैं घर घर जाके, वो कौन है, उनसे आप पर्सनली जाके मिलिए और पूछिए। हो सके आप अपना मोबाइल से गूगल का जो आप सर्च करिएगा गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन पिन लेटर, तो ऐसा आपका पिक्चर मिलेगा, ऐसा पिक्चर दिखाइए, क्योंकि ये लेटर अलग ही दिखता है, 10 लेटर रहेगा तो उसमें से ये अलग ही दिखेगा, तो आप उनसे पूछिए, पोस्टमैन से आप पर्सनली जाके मिलिए और उसको दिखाइए पिक्चर में ऐसा लेटर आया था कि नहीं, अगर आया है तो उन्होंने वापस कर दिया कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो उनको बोलिए दोबारा जब मैं रिक्वेस्ट डालूंगा आएगा तो मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दीजिएगा।
ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन के टाइम नेम, नाम जो नेम एक ऑप्शन रहता है वहां पे क्या अपना नाम डालें या फिर चैनल का नाम डालें। दी दोस्तों ये सबसे बड़ा इशू है, बहुत लोगों को नहीं पता ठीक से, वो लोग नेम की जगह अपना चैनल का नेम उठा के डाल देते हैं, और जिसके चक्कर में होता क्या है, गूगल जब पिन भेजते हैं एड्रेस पे वो रॉन्ग नेम पे जाता है, मिलता नहीं, और वो चिट्ठी जो है वो पिन का जो लेटर है वो वापस चला जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, आप नेम की जगह अपना ओरिजिनल नेम जो आईडी कार्ड में लिखा है वही नाम डालिए, जिस नाम से आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया है वही नाम आप उस एड्रेस का नेम पे डालिए, ना कि आपका चैनल का नेम। उसके बाद आता है कि एड्रेस कब चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों एड्रेस जो है आप कभी भी चेंज कर सकते हो, लाइक आपका जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, जब आप एडसेंस बना रहे तभी भी आप एड्रेस जो है आपका वहाँ पर एड्रेस डालना होता है एडसेंस बनाने का टाइम, उसके बाद आप कभी भी एड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर आपका $10 ऑर्डर हो गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, और आप उससे, मैं आपको बोलूँगा सबसे फास्ट वही उसी टाइम आप अपना जो है एड्रेस को ठीक कर लीजिए, अगर गलत है इनकम्प्लीट है तो आप प्रॉपर अपना आईडी कार्ड के हिसाब से, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से, या वोटर कार्ड के हिसाब से जहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखा है उस हिसाब से आप एड्रेस वहाँ पे फुलफिल करिए। या फिर अगर आपका पहली बार में पिन नहीं आया है गलत एड्रेस के कारण, दूसरी बार जब रिक्वेस्ट करो तभी भी आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा पिन जनरेट करने के टाइम, वहाँ पे भी आप उसको एडिट कर सकते हो। सो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि एड्रेस चेंज करने का। उसके बाद वाला क्वेश्चन आता है कि बैंक डिटेल कब ऐड करना है, पिन वेरिफिकेशन से पहले पिन वेरिफिकेशन के बाद। जी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही $10 हो जाता है आपको ऐड पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन दिखाता है, सो आप आइडेंटिटी बैंक या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं भी किया है ना, तभी भी आप जाके वहाँ पे कर सकते हो ऐड। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वेरिफिकेशन होने के बाद ही बैंक डिटेल ऐड करना है, सो आप पहले या बाद कभी भी कर सकते हो। एक ही एड्रेस पे दो या तीन पिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक जन के नाम पे तो होगा नहीं, क्योंकि एडसेंस का रूल है एक व्यक्ति एक लाइफ में एक ही अकाउंट एडसेंस अकाउंट बना सकता है। सो आपका एड्रेस सेम एड्रेस में अगर आप अपने मम्मी अपने भाई अपना पापा के नाम पे अगर आप एडसेंस अकाउंट खोलते हो, सो उस सिनारियों में एक ही एड्रेस रहेगा घर का, लेकिन नाम व्यक्ति अलग अलग हो उस सिनारियों में आपका आ सकता है। जी दोस्तों ये रहा मेरा टोटल 21 क्वेश्चन जो मुझे मिला था आप ही लोगों से, आप ही के लोगों से जो लोगों ने कमेंट किए थे, जिनका आंसर उस यूट्यूबर ने जिनका वीडियो में किया था, शायद उनका मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा होने के कारण शायद उनको टाइम नहीं मिला होगा, नहीं दिया था, तो मैंने आप ही का सब क्वेश्चन के आंसर में इस वीडियो में दिया। अब मैं आपको बताऊँगा 3 प्रो टिप्स जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो अगर आप फॉलो करोगे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन 100% होगा। सो अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखा है, इतना टाइम तक अगर देखा मैंने देखा 18 मिनट हो चुका है, इतना टाइम तक अगर देखा है तो आपको थैंक यू वेरी मच। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये प्रो टिप्स है, आपको 100% हेल्प करेगा। सो आपको ध्यान रखना है, आप अगर यूट्यूबर आपको ध्यान रखना है कि $10 होने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, सो आप स्टार्ट से ही कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, सबसे पहले अपना नाम जो है ठीक कर लीजिए, चैनल का नाम मत डालिए, जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर अकाउंट डिटेल्स के अंदर वहाँ पे अपना नाम लिखिए जो आईडी कार्ड में लिखा है, एकदम हूबहू कॉपी टू कॉपी, क्योंकि वही नाम से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा प्लस एड्रेस वेरिफिकेशन में भी काम आता है। दूसरी बात है $10 होने से पहले पहले आप अपने एड्रेस को प्रॉपर कर लीजिए, जो आपके नेशनल आईडी कार्ड मतलब वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट या फिर बैंक स्टेटमेंट में है उसी टाइप से आप अपना एड्रेस को कॉमा फुल स्टॉप भी मिस नहीं करिए, एकदम ए टू जेड हूबहू अपना एड्रेस वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है थर्ड, जहाँ पे होता है कि पिन नहीं मिलता आपको, पिन जनरेट करने के बाद भी, पिन जनरेट नहीं करने के बाद भी नहीं मिलता है, उस सिनेरियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे ही आपका पिन जनरेट हो जाए ना, आप सबसे एक दिन टाइम निकालिए, आप क्या करिए, आपका नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आपको पिन आने वाला है उस पोस्ट ऑफिस में सीधा जाइए, पोस्ट मास्टर से पूछिए यहाँ पे पियोन कौन है, जो पिन देने वाला जो पोस्ट है ना उससे आप मिलिए, पर्सनली मिलिए, उसको अपना नंबर दीजिए, अपना नाम दीजिए, हो सके उसको 50-100 रुपये अगर उसको ज़रूरत है उसको दीजिए, लेकिन उनको बोल के रखिए भाई, और उनको पिक्चर दिखा दीजिएगा आप नेट से निकाल के कि इस टाइप का पेपर में आएगा, इस टाइप का जो है लेटर आएगा, सो इस टाइप का लेटर आएगा, ये लेटर मेरे घर पे देना है, सो अगर लेटर आता है तो प्लीज़ मेरे घर पे आप पहुंचा दीजिए।
सो उनसे जाके आप बात करिए, उनको आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, नाम दे के आइए और उनको बोलिए, क्योंकि वो लेटर जो है इन्हीं के हाथ से जाएगा। सो इनसे आप मिलिए। सो ये तीनों चारों जो मैंने अभी आपको बोला, ये सब अगर आप करते हो तो आप कहीं भी रहते हो, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, आपको 100% ये लेटर जो है मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सो इसके बाद अगर कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है सी दोस्तों, इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप लिखिए, मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपका 100% क्वेश्चन का आंसर करूँगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट कुछ क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, डुप्लीकेट होता है तो मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर बार बार पूछते तो वहाँ पे आंसर मैं दे दूंगा एक क्वेश्चन का, लेकिन डुप्लीकेट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर कोई यूनिक क्वेश्चन होता है मैं डेफिनेटली 100% मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।